फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज बन रही है त्योहारों की ये स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बहुत ही डिलीशियस सी चाट, और वो भी इस पापड़ी का यूज़ करके। आज की इस रेसिपी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये चाट वाला गाढ़ा दही कैसे बनाया जाता है, चाट वाली एकदम खस्ता पापड़ी कैसे तैयार, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा, और इसे आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं, जब जी चाहे तब आप चाट बना के इंजॉय कर सकते हैं। कि तीनों की तीनों चाट एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से में, और बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, एक से बढ़कर एक टेस्ट आपको मिलेगा, वो भी एक ही पापड़ी का इस्तेमाल करके हम तीन चाट तैयार करने वाले हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पापड़ी बना रही हूँ, तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। रेसिपी का पूरा कप मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। साथ में हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे, लगभग एक छोटी चम्मच इतना। उसके साथ हम यहाँ पर नमक लेंगे, ये नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो पापड़ी में बहुत हल्का ही नमक जाता है, क्योंकि वैसे भी हम इसको चाट वगैरह में इस्तेमाल करने वाले हैं और ऊपर से भी काफ़ी सारा सॉल्ट डालते ही हैं, तो इसीलिए इसमें नमक थोड़ा बैलेंस ही डालें, ज़्यादा नहीं। उसके साथ मैंने यहाँ पर एकदम घी को तेज़ गरम कर लिया है, मैंने यहाँ पर देशी घी का इस्तेमाल किया है। आप खाने वाला कोई भी घी यानी डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करना है आपको, देशी घी का इस्तेमाल करें या फिर डालडा का। टोटल मैंने यहाँ पर 6 टेबलस्पून जितना देशी घी लिया है, और घी को मेल्ट करने के बाद 6 टेबलस्पून है, तो आप इस तरीके से नाप करके ही डालिएगा। और उसके बाद हम इस घी को एक बार अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेंगे। मैदे को इस मोइन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर मैदा अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई होगी तो आपकी पापड़ी उतनी खस्ता और मज़ेदार नहीं बनेगी। तो ये देखिए, मैंने सारे मोइन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसका आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर आधे कप जितना पानी यूज़ किया है। सबसे ज़रूरी पॉइंट, इसके लिए आपको ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल जो टैप वाटर होता है हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर पानी को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और पानी को सिर्फ उतना ही डालना है जितने में ये जो हमारी डो है ये इकट्ठा होने लगे, यानी जो हम इस पापड़ी का डो लगाते हैं उसे बहुत ज़्यादा गूंथा नहीं जाता, ना ही बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है, इसमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है जितने में ये इकट्ठा हो जाए। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाला जाता क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर इसका थोड़ा सा टाइट आटा गूंथना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी पूड़ी नहीं बनानी, इसकी पापड़ी बनानी है। तो पापड़ी बनाने के लिए कुछ इस तरीके का डो होना चाहिए, एकदम फटाफटा सा। अभी मैं आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। इतना डो लगाने में मुझे लगभग 2 टेबलस्पून जितना पानी बच भी गया है आधे कप में से, और आप देखिए डो हमारा इस तरीके का टाइट रखे रेडी हुआ है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ ये डो किस तरीके का दिखता है। ये देखिए, इस तरीके से फटाफटा सा डो है, हमने इसे बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से ही रखना है। और आप एक ज़रूरी पॉइंट नोट कर लीजिए कि इस डो को आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराना है, जैसे ही आपने ये डो लगाया बस तुरंत से हमें इस डो के साथ में काम करना शुरू कर। ये पापड़ी की रेसिपी इतनी ज़्यादा सिंपल है कि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसका मेजरमेंट के हिसाब से आप आटा लगाइए और फटाफट से इसकी इस छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए, और बस बॉल्स बनाने के बाद हम इनकी पापड़ी बेलना भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेती हूँ पहले, और जितना आटा बचेगा उसको हम कवर करके रखेंगे ताकि वो ड्राई नहीं हो, और इस तरीके से हम छोटी छोटी सी पापड़ी पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बेल कर दिखाती हूँ। ये साइड से इस तरीके से क्रैक्स दिख रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, इसको ज़्यादा चिकना विकना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस तरीके से पापड़ी बेल लेनी है, थोड़ी सी पतली ही बनाइएगा ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं। और ये देखिए, आप छोटा बड़ा साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको बहुत छोटी बनानी है तो और छोटा जो डो है उसका पोर्शन लीजिए, और इस तरीके से बेल करके इसको तैयार कर लीजिए। जब हम इन पापड़ी को बनाते जाएंगे तो हम इनको ओवरलैप करके रखते जाएंगे। इसको बेलने के लिए आपको सूखा मैदा या फिर ऑयल कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से बेली जा सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओवरलैप करते हुए रख रही हूँ एक के ऊपर एक, और इस तरीके से बाकी मैं जो बनाती जा रही हूँ वो इसके ऊपर रखती जा रही हूँ। लगभग 5 से 6 हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, और इस तरीके से हम इसका एक बंच तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 4 से 5 मैंने एक जगह पर इकट्ठा कर ली हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हमारी इसकी जो प्रिकिंग होती है काफ़ी इजी हो जाती है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रिक कर दूंगी ताकि ये जो है फूलेगी नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ही बढ़िया से रेडी होगी। और इसको छुड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए बहुत आसानी से वैसे तो निकल भी जाती है लेकिन आपको इसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं, सारी ही देखिए मटरी हमारी अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रिक भी हो गया है, और आपकी मेहनत भी कम हो गई है क्योंकि आपको अलग से एक एक को प्रिक करना नहीं पड़ा।
और साथ ही साथ इनको आप एक साथ रखेंगे जब इकट्ठा करके, और इनको जब आप तेल में डालेंगे तो ये खुद से ही छूट जाती हैं, इनको अलग से छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर इसको तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, और यहाँ पर देखिए पूरा बंच जो है मैं ऐसे ही उठाकर डाल रही हूँ। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए, हल्का मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये डालते ही एकदम से रेड हो जाएंगी और ये अंदर से थोड़ा कच्चा टेस्ट देंगी। तो इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है, और देखिए जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी अपने आप से एक के ऊपर एक से हटती चली जाएगी, सारी लेयर्स इसकी खुल गई हैं और देखिए ये सारी बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। इनको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इनमें बिल्कुल भी एयर ना भरे और ये बिल्कुल से एकदम फ्लैट बन के रेडी होंगी। जैसे हम बाज़ार में खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, और हम इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये बैच रेडी हो चुका है, बस हम इसे एक स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इस पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो सारा इसमें निकल जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे इसी तरीके से अपना नेक्स्ट बैच भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट बैच को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और ये भी हमारी बहुत ही बढ़िया से रेडी हो गई है। तो ये देखिए आपने कितनी इजी है इसको बनाना, इसी तरीके से मैंने सारी पापड़ी को बनाकर रेडी कर लिया है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी पापड़ी बनके तैयार है, आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर लीजिए एयरटाइट डब्बे में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, चाहे आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें चाहे आप इसकी चाट बना के खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अब हम इनसे तैयार करते हैं हमारी 3 तरीके की स्पेशल सी चाट। तो चलिए देखते हैं हमारी चाट की रेसिपी को। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद मटर ली है 1/2 कप जितनी, इसको मटरा भी कहा जाता है, और इसको मैंने रात भर के लिए पानी में सोख कर दिया था, और जब आप इसे रात में पानी में भिगो देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से फूल करके रेडी हो जाती है। हमारी मटर अच्छी तरह से फूल चुकी है, मैंने इसका सारा जो पानी है वो निकाल दिया है, और अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो प्रेशर कुक करने के लिए हमें इसे एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। आपने जिस कटोरी या कप से नाप लिया था इस मटर का, उससे आपको दुगना पानी यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप जितना मटर लिया था, तो मैं यहाँ पर 1 कप जितना पानी डाल रही हूँ, और साथ में मैंने 1/4 छोटी चम्मच जितना बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा डाला है, क्योंकि इस मटर को बहुत अच्छी तरह से गलाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा सा सोडा डालना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 3 से 4 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। उसके बाद हम 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि ये मटर हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारी मटर पक रही है तब तक हम यहाँ पर जो चाट वाला दही है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश दही लिया है, आप इसके लिए घर का दही ले सकते हैं, मार्केट का दही ले सकते हैं, कोई भी दही चलेगा इस रेसिपी के लिए। बस ध्यान रखिए दही में पानी का कंटेंट कम होना चाहिए और गाढ़ा दही ही इसके लिए यूज़ करना है। इस दही को हमें बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से छान लेना है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल बारीक वाले कॉटन कपड़े से छान लीजिए, और छानने के बाद जो हमारा दही है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देने के लिए आप इसमें 1/2 छोटी चम्मच जितनी चीनी ऐड कर लीजिए अगर आपके पास फ्रेश दही नहीं है। मेरे पास बिल्कुल फ्रेश दही था इसीलिए मुझे चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी का पाउडर ऐड कर दीजिए जिससे इसमें अच्छी सी मिठास आ जाएगी, एकदम मीठा बढ़िया दही बन के तैयार हो जाएगा। अब हम चाट के लिए एक इंस्टेंट सी चटनी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है जिसमें मैंने ऐड की है 2 छोटे चम्मच जितना अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जो भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच जितना डाला है। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, जो नॉर्मली हम पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ करते हैं, 1/2 छोटी चम्मच जितने मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो लगभग 2 से 4 बड़े चम्मच जितना पानी मैंने डाला है। चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बस इस तरीके से हल्की सी गाढ़ी रखेंगे, और ये इंस्टेंट सी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। कभी घर में धनिया वगैरह नहीं हो तो ये इंस्टेंट सी चटनी बहुत ही काम आती है। तो इसको मैं रखती हूँ साइड में, और फटाफट से हम बनाते हैं हमारी चाट के लिए एक स्पेशल तरीके की आलू। ये आलू वाली पापड़ी चाट हमारे यूपी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऐड किया है 1 बड़े चम्मच जितना सरसों का तेल,
तेल को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है और ये हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस ऑयल के साथ में। इसे जलने नहीं देना है और इसके बाद तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे उबले हुए और छिले हुए आलू। मैंने आलू को अच्छी तरह से उबाल लिया है। छीलने के बाद इसको इस तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है स्क्वायर्स में और उसके बाद हम यहाँ पे आलू को डाल देंगे। आलू को कितना डालना है डिपेंड करता है आप कितनी चाट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरीके से हम उनको उबालने के बाद कट करके डाल देंगे। तो आलू डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से आलू सारे मसाले के साथ यानी हल्दी और ऑयल के साथ में टॉस कर लेंगे और उसके बाद इसमें ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं डाले जाते हैं। सिंपल इसी तरीके से बनाई जाती है और ये चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ आलू को आपको इस तरीके से फ्राई करना है, उसके बाद इसका क्या करना है वह मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊँगी। ये देखिए आलू को मैंने अच्छी तरह से टॉस कर लिया, इनको मैं एक साइड रखती हूँ और अब मैंने जो मटर रखी थी वो आपको दिखा देती हूँ। मटर अच्छी तरह से उबल चुकी है, ये हल्की ठंडी भी हो चुकी है। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को ओपन किया है और ये देखिए मटर हमारी कुछ इस तरीके से हो जानी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से गल जानी चाहिए, तभी हमारी चाट बहुत बढ़िया रेडी होगी। अब हम बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम वाला तवा लिया है और इसके ऊपर मैंने डाला है 1 बड़े चम्मच जितना देसी घी। आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये चाट कुछ इस तरीके से मिलती है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसमें आपको मटर डालनी है, जितनी मटर आपको यूज़ करनी है, जितनी आप चाट बनाने जा रहे हैं सिर्फ उतनी डालिए। सारा ज़रूरी नहीं है आप एक बार में सारी बनाएं, बस सिर्फ आपको मटर को इस तरीके से उबाल करके रख लेना है और उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी हमने मटर उबाली थी उस हिसाब से हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि मटर हमारी अच्छी तरह से गलनी चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ उतना ही पानी डाला था। पानी डालने के बाद आपको इस समय गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है ताकि तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें इस मटर को इसके साथ में फ्राई करना है। आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा घी या बटर अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इस मटर को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल कच्चा प्याज इसमें डाल रहे हैं हम, इसमें पका के नहीं डाल रहे हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर टमाटोज जो हैं वो कट करके डाले हैं। टमाटर का मैंने बीज वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया है और इसको इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके डाला है। थोड़ी सी यहाँ पर अदरक भी डाली है टेस्ट के लिए और अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर अच्छी तरह से काट करके छोटा छोटा बारीक करके डाल दीजिए। हमने यहाँ पर अभी तक नमक सॉल्ट कुछ नहीं ऐड किया था तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे लगभग आधी छोटी चम्मच जितनी और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़े से और मसाले, तो जिसमें जाएगा हमारा 1 छोटी चम्मच जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट वगैरह में। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, लगभग हम 1 छोटी चम्मच जितना यहाँ पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इससे हमारी जो ये टेस्ट है इस मटर का ये बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये सारे मसाले मैंने डाले हैं जो बेसिक सभी के घरों में होते हैं। आप इसमें कोई और एक्स्ट्रा मसाला चाहें तो वो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके टेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मटर अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसको मुंबई के साइड में रगड़ा चाट बोलते हैं और हमारे यूपी में इसको मटर पापड़ी चाट बोलते हैं। तो जो भी आपके साइड बोला जाता हो आप इस तरीके से बनाकर देखिए। ऊपर से मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया डाला है और ये हमारी जो चाट है बिल्कुल तैयार है। इसको हम सर्व करेंगे पापड़ी के साथ में। तो कैसे बनानी है, सिर्फ आपको पापड़ी लेनी है जो हमने पहले तैयार करके रखी थी, इसको इस तरीके से तोड़ लेना है जिस प्लेट में आप इसे सर्व करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल बाजार के स्टाइल में मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे यहाँ पर सर्व की जाती है। और उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे गरम गरम हमारी ये रगड़ा चाट या फिर मटर चाट बोल सकते हैं आप इसे। और आप इस मटर चाट को जब आप सर्व कर रहे हो उस टाइम पे आप बीच में थोड़ा सा बटर भी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने नहीं डाला है लेकिन आप ज़रूर इस तरीके से डाल करके खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। और ऊपर से अगर हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च को कट करके आप ऊपर से और भी डाल सकते हैं चटपटा बनाने के लिए। मैंने यहाँ पर जो खट्टी वाली चटनी थी वो ऐड की है, साथ में हमने यहाँ पर कच्चा प्याज और डाला है और एक पापड़ी को इस तरीके से तोड़ करके ऊपर डाल देंगे। और ऊपर से हम थोड़े से नायलॉन सेव जो होते हैं, जो बारीक वाले सेव आते हैं ना चाट वाले, वो ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा हरे धनिया के साथ इसको गार्निश कर देंगे। ये हमारी बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी सी चाट बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिए। अगर आप मीठी चटनी पसंद करते हैं तो आप उसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मीठी चटनी जो चाट वाली कैसे बनाई जाती है उसकी पूरी रेसिपी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा।
अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दूसरे तरीके की दही पापड़ी वाली चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए हम लेंगे पापड़ी, जिसको हम एक प्लेट में लगा लेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से काले चने, जो कि मैंने पहले से उबाल करके रखे हैं। इसको भी मैंने उसी तरीके से जैसे मैंने सफ़ेद मटर को रात भर भिगोया था, उसी तरीके से मैंने इसको भिगो करके अच्छे से सुबह बॉईल कर लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से उबले आलू काट करके डाले हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। ये चाट वाली चटनी जो मैंने आपसे पहले बताई, मैंने इसकी रेसिपी पहले ही पोस्ट की हुई है। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। यही चाट की चटनी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। चाट वाली चटनी हम यहाँ पर थोड़ी सी डाल देंगे। ये खट्टी मीठी स्वाद वाली सौंठ की चटनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इस दही पापड़ी की चाट में तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन देती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी खट्टी वाली चटनी भी डाली है, जो इंस्टेंट मैंने बनाई थी अमचूर से। और उसके साथ में यहाँ पर जो दही हमने बना के रखा था चाट वाला, वो दही अच्छी मात्रा में डालेंगे। अगर आपको कम पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। उसके साथ हमने यहाँ पर फिर से थोड़ी सी चटनी डाली है, ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक, काला नमक या सफ़ेद नमक जो भी है आपके पास वो डाल लीजिए। और ऊपर से थोड़े से हरे धनिया के साथ में गार्निश करेंगे। इसको ऊपर से थोड़े से नायलॉन सेव डालेंगे और ये डिलीशियस सी दही पापड़ी वाली चाट बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही टेम्प्टिंग लगती है खाने में। बढ़ते हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहाँ पर हम बनाएंगे हमारी तीसरे तरीके की चाट, जो कि है आलू पापड़ी चाट। ये स्पेशली यूपी में बहुत फेमस है। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, जो हमने आलू तैयार किए थे वो आपको पापड़ी को तोड़ करके ऊपर से रखने हैं। ऊपर से हमारी इंस्टेंट वाली अमचूर की चटनी डालेंगे, जो कि बहुत ही मिनटों में बन जाती है। और ऊपर से हम एक पापड़ी को इस तरीके से क्रश करके इसके ऊपर डाल देंगे और बस हमारी तैयार हो गई है आलू पापड़ी की चाट, जो कि यूपी के साइड में बहुत फेमस है। आपने अगर आज से पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये तीनों चाट रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा सरल हैं और एक पापड़ी से देखा आपने, हमने तीन तरीके की चाट तैयार की है, जो तीनों ही तीनों डिफरेंट हैं अपने टेस्ट में। तो आपने अगर आज से पहले ट्राई नहीं की है तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें से कौन सी चाट की रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।